नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि अगर हमें सडन चेस्ट पेन हो तो हम क्या सावधानियां बरते। पहले मैं ऐसा करूंगी कि चेस्ट पेन की जो चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ उसको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट में दबाव महसूस हो रहा है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जबड़े में पेन हो रहा है या दोनों कंधे में पेन हो रहा है या लिटिल फिंगर में भी पेन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ कुछ सावधानियां जो हमें पहले से रखनी है उसका जिक्र करूंगी कि इमरजेंसी फोन नंबर एक कागज पे लिखा हुआ हो जो आपके एंट्रेंस के बाद और आपके बेडरूम में अवश्य हो कि जिससे आप इमरजेंसी कॉल किसी को भी कर सके। मोबाइल फोन का एरा है, मोबाइल हमेशा पूरा चार्ज होना चाहिए। तीसरी चीज ये बोलूंगी कि आपको जैसे ही थोड़ा सा भी चेस्ट पेन हो आप अपना डोर खोल दें जिससे आप किसी को भी बुलाएं फोन पे तो वो आपके पास तुरंत आपकी मदद करने को आ सके। चौथी चीज, पहले से आपके घर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए बीपी इंस्ट्रूमेंट जो आप सेल्फ अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट ले सके। आपको चेस्ट पेन हो तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएं और ध्यान रहे कि उसी टाइम किसी को भी इमरजेंसी कॉल करें जो आपकी मदद कर सके। हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ बातें करूंगी, जैसे मैं हर समय खाने पे डाइट पे एक जोर देती हूँ और एक्सरसाइज पे। आज डाइट की बातें जरूर करूंगी कि हम अगर किचन लें, अपने घर लें, अपने जो सीजनल चीजें हैं उनको लें जिनसे हम काफी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं, जिनमें आपका लहसुन, हल्दी, अदरक, अनार, ये आपका एप्पल सिडार विनेगार होता है वो, होली बेसिल, ये चीजें हो इंक्लूडेड, जिससे कि कोक्यू एंजाइम वाले चीज हो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो। यहां आप जिक्र करूंगी कि जो हम मेन तीन चीजें खाते हैं अपने खाने में, प्रोटीन की मात्रा हमारी होनी चाहिए 18%, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 55% होनी चाहिए, फैट होना चाहिए 15 से 20%। यहां ध्यान रहे कि ये फैट में गुड फैट हमारे होंगे तो ज्यादा फायदेमंद होंगे। अब बात आती है कि हम सॉल्ट रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर लेते हैं, पर यह ध्यान रहे कि 6 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना। शुगर जो लेते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में ले और अपनी परेशानियों के लिए एक इंतजाम और करें जो मैंने शुरू में नहीं बोला, अपने डॉक्टर से पूछ करके इमरजेंसी की दवाइयां अपने घर में जरूर रखें और जो स्ट्रिप हो उस पर एक्सपायरी अवश्य लिखी होनी चाहिए जिससे आप समझ सकें कि ये दवाई हमारी कब तक चलेगी। जब डॉक्टर को आप कॉल करते हैं तो ये ध्यान रखें और उनको बताएं कि आपके पास क्या दवाइयां और कितनी मात्रा में खानी है, खा ले अगर जरूरी है तो, और फिर आप एम्बुलेंस और अपने। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हम सभी को जानना चाहिए जिसे शॉर्ट में CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी चेस्ट पेन को नजरअंदाज ना करें, आकस्मिक सुविधा का अवश्य लाभ उठाएं। धन्यवाद।